बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब सी आई एम अ बॉलीवुड मूवी लवर मतलब मुझे बॉलीवुड की मूवीज देखना बहुत पसंद है बचपन से ही एंड सी आपको भी पक्का पसंद होगा एंड जब हम जाते हैं मूवी वगैरह देखने घर पे भी हम देखते हैं तो उनके जो लुक्स होते हैं चाहे वो आउटफिट हो गया हेयर स्टाइल होगा कहीं ना कहीं ना हम उसको जब हमें पसंद आता हम उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं वो चीज हमारे दिमाग में भी बैठ जाती है ओके दिस लुक इज वेरी प्रिटी और एकदम ही ना एक बैठ जाता दिमाग में वो वाला लुक तो बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के लुक्स होंगे जो आपको भी बहुत ज्यादा पसंद होंगे राइट तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक रिक्रिएट करूं बॉलीवुड लुक आप लोगों के लिए क्योंकि फिलहाल यार पार्टी सीजन चल रहा है तो वाई नॉट बहुत अच्छा वाला मौका है थोड़ा सा एकदम डिफरेंट वाला हम रेट्रो वाला लुक आज क्रिएट करने वाले हैं बाई द वे गाइज बॉलीवुड के जो बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिनको आ, स्टाइल किया है बी ब्लंट ने मुझे ये बात पता ही नहीं थी फॉर एग्जाम्पल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा डॉन दिल चाहता है माई गॉड कितनी like, लाइक मतलब ये सारी ऐसी मूवीज है जिनको मैंने बार यार, और कितनी बार देखा है रिपीट मोड में कितनी बार देखा है दिल धड़कने तो मैंने बहुत बार देखी है बट मुझे नहीं पता था कि ये बी ब्लंट ये वाले जितने भी उनके हेयर लुक्स है जितने भी वो बी ब्लंट ने क्रिएट किया आई थॉट कि चलो जी अब हमारे पास बी ब्लंट के सारे प्रोडक्ट्स हैं इनफैक्ट मेरे पास उनके हेयर डिवाइस भी हैं तो वाई नॉट री एक लुक क्रिएट करते हैं होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स में आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइट आई एम वेयरिंग द स्वेटर वीडियो के एंड में हम चेंज करेंगे आउटफिट क्योंकि भैया अभी बहुत ठंडी है अभी बहुत ठंड लग रही है एनी <laughs> anyway, सबसे पहले स्किन um, केयर कर लिए मैंने अपना मेकअप करते उसके बाद फिर एट द एंड हम हेयर स्टाइल पे जाते हैं ठीक है वेरी क्विकली वाला मेकअप करेंगे Let's begin. Okay, by the way, मैं 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 कर रही हूं? को, पर मैं आपको भी फोटो डाल दूंगी। मैं करने वाली हूं, दिल धड़कने दो बोला चलो <laughs> सबसे पहले ना गाइस तो बहुत क्विकली मैं अपना मेकअप कर लूंगी स्किन केयर ऑलरेडी की हुई थी तो मैंने जस्ट फाउंडेशन लगा लिया इसको मैंने तरह से ब्लेंड कर लिया कंसीलर हल्का हल्का सा जस्ट आईज़ एरिया के पास जहाँ पर भी आपको रिक्वायर्ड है बेस मेकअप हम बहुत लाइट रखने वाले हैं बहुत हैवी नहीं करेंगे ब्लश लगाना तो देखो बहुत ज़रूरी है पिंक पिंक मैंने ब्लश ले ले यहाँ पर और इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही ब्लेंड कर लिया है उसके बाद गाइस मैं अपने पूरे फेस को ना पाउडर के साथ सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट के साथ फिर बारी आती है ब्राउज़ को फिल करने की तो जस्ट यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़ को फ़िल कर लूँगी एंड हल्का सा फेस को डायमेंशन देंगे कॉन्टोरिंग कर लूँगी मैं एंड फिर यहाँ पे मैं फिर से अपना पाउडर ब्लश अप्लाई करूँगी एंड थोड़ा सा हाइलाइटर भी लगाऊँगी कहने का मतलब है बहुत हल्का हल्का सा हम मेकअप करेंगे एंड फिर आइज़ के लिए ना बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल जो होता नहीं है ना वेरी न्यूड पिंक ब्राउन सा शेड बिल्कुल वो लूँगी मैं उसके बाद फिर आई लगा लूँगी विंग लाइनर एंड फिर मस्कारा हल्का हल्का सा काजल नहीं मैं लगा रही एंड लिपस्टिक uh, के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलूशिया पिंक कलर है ये एंड दिस इज द मेकअप अब गाइस बारी आती है बालों को स्टाइल करने की तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी बी ब्लंट प्रो इंस्टा स्मूथ हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश इसका ना ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर डिटेल में रिव्यू uh, है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो uh, बहुत ही पसंद आए यार मुझे ये वाला प्रोडक्ट ये आप इसको नॉर्मली जस्ट आपको कॉम करना है एंड ये आराम से आपके बालों को स्ट्रेट कर देगा आ, वेरी इजी टू यूज़ है जस्ट मैंने इसको प्लग इन कर दिया एक आपको ऑन ऑफ़ का बटन मिला है उसके साथ आप अपनी नो टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो फोर टेम्परेचर सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी वन डिग्री सेल्सियस टू टू डिग्री सेल्सियस तो मैंने एकदम जो है ज़्यादा वाला टेम्परेचर है ना 220 पे पर वहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट करके ऑन करके रख दिया है मीन uh, वाइल क्या करूँगी गाइज मैं डायरेक्टली तो देखो ऐसे कोई भी हीटिंग टूल बालों पे लगा नहीं सकती तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बी ब्लेंड का हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट ये ना हर एक बालों के लिए सूट करता है प्रो वाइटमिन बी फाइव इसके अंदर है एंड ग्रेप सीड ऑयल इसके अंदर है ये क्या करेगा ना आपके बालो, आपके बालों को हीट से प्रोटेक्ट करेगा अप टू हंड्रेड एंड थर्टी डिग्री सेल्सियस तो पूरे मैंने रूट्स के ऊपर एंड अपने पूरी हेयर लेंथ के ऊपर हॉट शॉट हेयर मिस्ट को स्प्रे कर लिया बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता बहुत वेटलेस फॉर्मूला है इसका चलो जी साइड पार्टीशन कर लिया आपने देख लिया जैसे प्रियंका चोपड़ा ने किया हुआ है उसके बाद ना यहाँ पे मैं गाइस यूज़ करूंगी ब्लेंड का प्रो इंस्टा स्मूथ हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश इसको मैंने पूरा नीचे की तरफ से ना ऐसे ले लिया अपने क्राउन एरिया पे उससे क्या होगा ना थोड़ा सा क्रिएट हो जाएगा एंड बैक कॉम्बिंग करके अब मैं यूज करूंगी बी ब्लेंड का हॉट शॉट होल्ड स्प्रे फॉर हेयर स्टाइलिंग ये क्या करता है ना गाइजे बिल्कुल होल्ड कर देगा आपने जो भी हेयर स्टाइल क्रिएट किया ना उसको एकदम पकड़ के रखेगा आम, उसके बाद मैंने अपना पिनअप कर लिया है अच्छी तरह से ताकि जो पीछे वाला क्राउन एरिया ना वो इधर से उधर ना हिले अब गाइज इस ब्रश को यूज करना तो ईजी ही बहुत है जस्ट आपको अपने बालों में ऐसे कॉम करनी है तो प्रियंका का हेयर स्टाइल जब मैंने देखा ना तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ ना ऐसे है बिल्कुल ऐसे जैसे बाहर की तरफ थे तो मैं इसको हल्का सा बिल्कुल एंड्स में ना जाके ट्विस्ट कर दूंगी बिल्कुल बाहर की तरफ अब गाइस यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की जो हेयर हेयर कटिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है बिल्कुल स्ट्रेट कट है नीचे से तो उनका लुक देखो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा मेरे लेयर्स हैं तो मेरा लुक थोड़ा सा डिफरेंट आएगा बट हम फिर भी उनकी तरह थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे तो मैं बस इसको स्ट्रेट करती जाऊँगी और नीचे से थोड़ा सा ऐसे ही ना ट्विस्ट कर दूंगी बाहर की तरफ एंड इसको होल्ड रखने के लिए बी ब्लंट का हॉट शॉट होल्ड स्प्रे हम यू you नो know, स्प्रे करेंगे साथ साथ में जिससे एकदम इंस्टेंट होल्ड भी मिलेगा जो हमने बैंग निकाला ना इतने लंबे से जो ऐसे साइड वाली पार्टीशन है इसको हम पिन अप कर देंगे ऐसे गोल्डन से क्लिप के साथ आउटफिट मैंने अपना चेंज कर लिया एंड फॉर अ फाइनल टच पूरे बालों के ऊपर ना थोड़ा शाइन ऐड करने के लिए मैं यूज़ करूंगी बी ब्लंट हॉट शॉट फिनिशिंग स्प्रे फॉर दैट ब्यूटिफुल रेडियंट शाइन ये क्या करेगा ना आपके बालों में बहुत अच्छी सी शाइन ऐड कर देता है तो पूरे बालों के ऊपर पूरा अपना क्राउन एरिया पे हेयर लेंथ पे मैं इसको स्प्रे कर दूंगी एंड गाइस ये है फाइनल लुक होप आप लोगों को पसंद आया बिल्कुल उनकी तरह तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उनके भी तैयार बाल थो की लेंथ थोड़ी छोटी थी मेरे बालों की लेंथ थोड़ी लंबी थी एंड हेयर कट में भी फ़र्क है बट स्टिल हमने वैसा मेकअप एंड हेयर स्टाइल करने की कोशिश की आपको ये वाला जो मैंने एफर्ट्स डाले कैसे लगे कॉमेंट डाउन करके आप ज़रूर बताना एंड सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स मैंने आपको डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से इनको बाय कर सकते हो गाइस बी इज टीजे प्रीमियर हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड विच इज इनॉनमस विद कटिंग एज हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर केयर मुझे ना इनके जो हेयर टूल्स ब्रांड ने लॉन्च किए वो भी बहुत पसंद है जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत पसंद है ये आप ये आपको अमेजन और फ्लिपकार्टे पे मिल जाएंगे के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना सबके साथ शेयर जरूर करना चलिए एंड बाय बाय लव यू